हाय दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप जो अम्ब्रेला मशीन देख रहे हैं, सिंगर मशीन, तो इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, जैसे ये धागा लगा रहा हूँ, ये लाइलून वाला धागा है, ये धागा लगाने के बाद में क्या होता है, कट जाता है। तो ये धागा लगा के चलाते समय में, मान लीजिए इसे चलते समय में ये इसे फंस के कट जा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है, क्यों फंसता है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो बोबिन केस इसका लगाते हैं, इसका जो बोबिन केस है, हमेशा देखिएगा लगाते समय में ये धागा रहता है, ये ज़्यादा ज़्यादा लंबा ना छोड़े, मिनिमम इतना छोड़े, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लंबा छोड़ेंगे, ये धागा अगर लंबा रहेगा तो इससे क्या होगा, ये हुक में आपका फंस जाएगा, तो उससे क्या होगा, सूता लाए लाए फंसते जाएगा और कटते रहेगा। तो इसको मिनिमम इतना में छोड़े, ताकि ये साइज के छोड़े, और हमेशा चलते चलाते समय में आप अपना बोबिन केस का खोल के आप धागा निकाल के अच्छे से फिर से लगा कर रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसे घुमा देने से भी आपका चल घूम जाता है। तो इसी तरह का अगर मान लीजिए ज़्यादा अगर चला रहे हैं, बार बार ये धागा कट रहा है, तो इसमें देखिएगा अगर कचड़ा होने से आपका धागा जाम होके कटेगा। तो इस तरह से आप लूज कर दे इसको, ये स्क्रू है, तो इसको लूज करके साफ कर दे, उसके बाद में टाइट कर दे। अगर लूज हो रहा है, सिलाई अगर ढीला ढीला हो रहा है, तो आप हल्का सा ये टाइट कर सकते हैं, और ज़्यादा अगर कट रहा है, ज़्यादा टाइट आ रहा है यहाँ से, तो ये इसको आप हल्का सा लूज करके देखिए अपना एडजस्ट। ज़्यादा लूज करेंगे तो सिलाई ढीला हो जाएगा, ज़्यादा टाइट करेंगे तो धागा कटेगा। तो इसी का रीज़न है। और कुछ सीखना चाहते हैं मशीन से रिलेटिव, तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी वीडियो आपको मशीन से रिलेटिव मिलते रहेगा। बहुत सारा मशीन का वाइब्रेस, बहुत सारा वेराइटी का मशीन का डाला हुआ है मशीन, आप देख लीजिएगा। अगर जो भी मशीन आप यूज़ करते हैं, उसका वीडियो डेफिनेटली मिलेगा मेरे चैनल में। और आप सीखना चाहते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल में कमेंट करिएगा, मैं ताकि इससे रिलेटिव मशीन का वीडियो आपको डाल दूंगा। थैंक यू सो मच। ये आज उषा मशीन का आपको वीडियो बना के दिया हूँ, जो कि अम्ब्रेला मशीन है। तो धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।